डाल देना उसके ऊपर। ऐसा हैंडल जाम पड़े लाए हमारी तरफ से। हाँ बहुत से लोग आप सब। चलिए गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं बना रही हूँ दूधिये की भाजी और मीनू आ गई है यहाँ पे घूम फिर के। मैं आ गया है मैसेज, मैंने आज जल्दी मैसेज देख ली। तो आज भी स्कूल की छुट्टी है 9th of जुलाई, मतलब आज भी स्कूल की छुट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट अलर्ट। चलो ठीक है, आज भी माई की स्कूल की छुट्टी है बट नुमैर की आज कॉलेज चालू है। आपके फैयाज भजन पाव लाने गए हैं। इसको गला लूँगी पहले दूधिया को और चने की दाल को। कहाँ जा रहे तुम? मैं थोड़ा वो सही कर देता हूँ बाइक रखने की जगह। अच्छा माई की स्कूल की छुट्टी है, मैसेज आया। हाँ नुमैर तेरी चालू है, मैसेज आया। आ गया, जाना पड़ेगा। चलो यहाँ मसाला मेरा रेडी और आपके फैयाज भाईजान यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, दूध गरम कर रहे हैं। चाय अभी तक मिली नहीं है, मैं क्या करूँ, भारी बाइक के चक्कर में गए थे। हो गया बाइक का इंतजाम। ओटा जरा ऊंचा नीचा है ना तो उसको थोड़ा लेवल में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या मट्टी चाहिए, क्या चाहिए, ये वो, तो उसके चक्कर में रह गए। वो खड़े रहना पड़ेगा, करवा के लेना पड़ेगा, तो आज वैसे भी घर में ही है। अभी कुछ ऐसा विचार है नहीं जाने का क्योंकि हाई अलर्ट दिया हुआ है आज, है ना। फिर भी मतलब हाँ पता है ना आपको, आप जाएंगे आपके हस्बैंड घर में। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। मेरा हस्बैंड थोड़ी ना घर में बैठेंगे, तो अभी देखेंगे अभी दोपहर तक के। यहाँ पे जो है ना दूध गर्म हो रहा है और दूधिया और चने की दाल मैंने सॉरी बॉईल करने रख दी हूँ। और मेरे दो कड़क पाव और आपके फैयाज भाई अभी कड़क पाव खाने वाले हैं। मीनू पीछे बैठी है, कागज में रखा हूँ। हाँ माई को याद से लेके आना जरा जाके। क्यों नुमैर को लेके जाना है ना? हाँ नुमैर के कॉलेज है, जरा उसको छोड़ना भी है और लेके भी आना है। उसका पेपर है, पेपर है, हाँ पेपर है उसका पेपर है आज। इंशाल्लाह अच्छा करेगा, टेंशन मत लो। बाल क्या लाल लाल दिख रहे फज्जू तुमको? अच्छा आपके फैयाज भाईजन कैसे लग रहे लाल बाल में, जरूर बताना। कि वो वाइट ही अच्छे लग रहे थे कि फिर वाइट तो नहीं अच्छे लग रहे थे, सॉरी वो काले ही अच्छे लग रहे थे या फिर काले और वाइट, काले या क्या बोल रही फज्जू मैं, रेड रेड रेड। अरे अल्लाह तुमने मेरी बातें करते करते देखो ये होता है। देखे यार तुम गैस क्यों नहीं सुनो रखते हो फज्जू, कभी भी मैं तुमको बोलती हूँ तो भूख लगे तो गैस को स्लो रखने का ना। तुम चाय घायगे के चक्कर में पूरा मेरा दूध वेस्ट कर दिए। मैं गरम कर लेती अच्छा रहता। छोड़ दो अब तो, दो काम बढ़ा दिए, एक तो वेस्ट कर दिए ऊपर से भी गैस का भी पोषण का काम। कितना फूका मालूम मैंने अभी। हाँ बहुत फूके, तुम्हारे फूक से अंदर जाएगा वो। जाओ मीनू क्या कर लो, मम्मा मम्मा क्या कर लो? ये देखिए ये अपनी दूधिया भी मस्त गल गई है। आ रहा पानी, गया पानी। 11 बज गए ना। वो मोरी में से 1-2 बाल्टी लेकर के धो लो बाहर का ओटा। अरे हाँ ये तो। हाँ क्या है ये धागा, काय के लिए? हाथ में बांधने, मेरे हाथ में बांधने। हाँ। तुम लेकर आए? हाँ हाँ 1 मीटर हाथ में बांधने के लिए धागा लेकर। हाँ बाबू क्यों लाए? नजर ना आए मेरे को 2-3 दिन से बोल रहे थे यार हाथ में धागा बांध के रखो, नजर लग जाती है। बोले काम वाम करते हो ये वो करके चटका वटका लग रहा है, ये लग रहा है तो धागा बांध के रखो। तो तुम धागा बांधो जरा, इसको भी एक बांधो थोड़ा सा। किसको बांधो? उसको काहे की नजर लग रही है। हाँ उसको कुछ नजर नहीं लग रही है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मीनू। धागा लेकर आए आदमी मेरा, ये बहुत एंटीक पीस है। ये मेरा चना और दूधिया मिला के मिक्स सूखा बनाया मैंने ताकि रोटी से खा सके। तो ये रेडी है। गरम गरम सूखी सूखी दाल। बिस्मिल्लाह। ये ले छड़ी वो डाले, वो दूधिया और चने की दालें। इधर है ही नहीं, ये नहीं लगा रहा मेरा इधर। अभी तुम इनको मत देना नुमेर, इनको बहुत लगाती है, इनको मत दे। घर का ही माल है क्या? घर का माल है? अरे तो मेरा माल है वो, तो यूज करने लाए ना। मैं नहीं 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 तुम्हारा ही हो ना यार। नहीं नहीं मेरा इतर मेरा है वो। क्या कर मेरे को नहीं बोल रहे, इतर को बोल रहे। बस कर नु मैं चुड़े लाएंगी पीछे। चलो चाय पियो और जल्दी जल्दी जाओ नुमेर को लेके। क्या हुआ अभी? हाँ डाल दे बैग में। हाँ लैपटॉप लेके जा भाई, लैपटॉप लेके जा रहा है आज जनाब। लैपटॉप डाल ले फिर। हाँ सर तू चार्जर का भी चाहिए, ले लेना वायर। चार्जिंग है ना उसमें? बैटरी है उसकी फुल, जरूरत नहीं है। चल ले लिया ना, संभाल के जाना। मैं लैपटॉप दे रही हूँ मैं तेरे को, संभाल के लेके जाना और अच्छे से करके आना, ठीक है? हाँ जूता पहन ले। नहीं नहीं बारिश है, जूते की जरूरत नहीं है ना। मैं चप्पल पहनूंगा। ये जूता पहन बेटा, रिक्शे में जाएगा, रिक्शे में आएगा। अरे हाँ पापा तेरे को रिक्शे में लेके जा रहे ना। ये मेरे पैर सड़े ना, इसके लिए सड़ा हुआ है पैर। देते ना थोड़ा पर बहुत ही जान दो। बारिश के टाइम पे कौन जूते पहनता? तेरे पैर का अच्छा ही नहीं होता ना, बार बार होता ना वैसा। बड़ी वाली मोजड़ी याद रख, काली वाली, वो पहन लेना बेटा। हाँ रे नुमेर वो भी चप्पलें पड़े रहते, पहनता ही नहीं है कुछ भी। अभी रहने दो, बारिश का टाइम है, रहने दो, छोड़ो जाने दो। हेलो हाँ बढ़िया है, इंशाल्लाह सब बढ़िया होएंगे। नुमेर आप कैसे हो बेटा? मैं आप लोग की दुआ से अच्छा हूँ। हाँ बहुत से लोग मैसेज करते हैं नुमेर जरा बेटा बोला करे ना, बहुत अच्छा लगता है आपके मुँह से। अच्छा बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ? लैपटॉप भारी रहेगा हल्का। चल बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अच्छा लिख के आना बेटा। अच्छा लिख के नहीं अच्छा क्या बोलते, ऑप्शंस है ना, सारे ऑप्शंस आते। तेरे को भी चाहिए पैसा? तेरे को क्या करने को? 50 रुपया पप्पा लेके जा रहे, पप्पा लेके आ रहे ना तेरे को तो। ये ले तेरे 50, ये ले बस, ठीक है? हाँ गांधी जी चलेगा, अपना नाम रखेगा गांधी जी। माई अकेले आएगी बेटा आज, देखो हो गया टाइम, लाके छोड़ देते ना तुम लोग, अच्छा रहता था। बेचारी बच्ची अकेले आएंगी। मीना कहाँ गया नुमेर भाई? के फैयाज भजन पूरा धोए लगता, गीला गीला गीला। बारिश आ गई ना, सब गीला गीला। पौधे माशाल्लाह मेरे अच्छे हो गए, लेकिन क्या मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली गीली हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद ही रखे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ोमान में रखे। कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी भाई बहन की तरफ में है। चले फिर आज का ट्यूसडे वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज माई की स्कूल की छुट्टी, ये तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आज उसकी छुट्टी है। ओनली बिकॉज कि आज फिर से हाई अलर्ट दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सी जगह पे जो है ना पानी भर गया है। तो जिसके वजह से कल भी हाई अलर्ट दिया हुआ था, आज भी दिया है। तो आपके फैयाज भाईजान जो है ना आज घर पर ही रहेंगे, नहीं जाएंगे गाड़ी पर भरोसा नहीं है उनका। फिर भी वो सुबह बोल रहे थे, उनका फिर भी भरोसा नहीं है। मैंने तो मना ही किया कि रहने दो, घर पर रह जाओ। कल भी आ गए थे 8 बजे, और अभी नुमेर को लेके गए कॉलेज। इसके लिए उसको लैपटॉप भी लेके जाना पड़ा, क्योंकि लैपटॉप में उन लोग का जो भी है ऑनलाइन ही होने वाला है, मतलब ऑफलाइन नहीं है। तो कॉलेज ने बोला कि लैपटॉप अगर होगा जिसके पास, तो वो लोग लेकर आओ, जिसके पास नहीं है तो वो लोग अरेंज करेंगे। तो इसीलिए वो गया है, और आपके फैयाज भाईजान भी गए हैं। तो आपके भाईजान बोले कि अब लैपटॉप लेके गया तो मैं अकेला उसको छोड़ नहीं सकता, और बारिश भी है, कभी पानी में भीग गया, कुछ हो गया। तो ये बोले कि वैसे भी गाड़ी पे कुछ जाना नहीं जाना ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है, तो मेरे को बोले मैं जाता हूँ इसको और इसका पेपर होएगा ना उसको साथ ही में लेके आ जाऊँगा। तो ये वहीं पे रुकने वाले और नुमेर का पेपर हो जाएगा मतलब, तो फिर साथ में लेकर आएंगे। आपके फैयाज़ भाईजान और नुमेर तो निकले, बट अभी बात आ गई माही की। ओहो माही को कौन लाएगा, लेकिन माही आ जाती है ट्यूशन से तो अकेले आती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली स्कूल का ही प्रॉब्लम होता है कि ना बहुत ज़्यादा रश होता है ना, जहाँ पे माही की स्कूल है वहाँ रश इतना ज़्यादा होता है और वो हैवी बैग लेके ना बच्चे अगर निकले ना तो एक दूसरे को पुश करते करते ना, और गाड़ियाँ भी इतनी होती है ना तो जिसकी वजह से बहुत डर लगता है उसको अकेले। वैसे तो अभी थोड़ी छोटी ही है, अभी एक 2 साल जाएगा ना, मुझे लगता है 7th में जाएगी तो फिर खुद ही अकेले आ जाएगी। 2 साल तक के थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं है, और ऐसा मतलब अकेले मतलब ऐसा आना ही है तुझे, ऐसा नहीं है। अगर घर में कोई होगा तो मैं बिल्कुल लाने के लिए भेजूँगी, लेकिन ऐसा कभी कभी होता ना कि कोई होता नहीं है, तब उसको फिर अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या ना अभी छोटी है मतलब, अभी हम लोग को ज़रा डर लगता है कि नहीं। हाँ बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मदीना पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते होंगे मेरी बहन, क्या करूँ मैं अभी। मेरा माइंड सेट नहीं होता ना कि मैं उसको अकेले अलाउ करूँगी तो अकेले आ जा। स्कूल से तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, हाँ ट्यूशन से अलाउ करती हूँ क्योंकि ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, बाजू में ही है। और जितनी भी गलियों से वो आती है ना आपके फैयाज़ भाईजान उसको बराबर बता के रखे कि ये गली से आना, यहाँ सीसी कैमरा रहता है, यहाँ सीसी कैमरा रहता है, यहाँ सीसी कैमरा रहता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी अकेले। अरे आ रहे थे क्या नुमान भाई भी? वो भाई जब जा रहे थे ना, हाँ। तो भाई खड़े थे, हाँ। तो नुमान भाई उनसे पूछे क्या जा रहा नहीं लेने, हाँ। तो फिर भाई बोला मुझे कॉलेज जाना है, तो नुमान भाई बोले मैं लेके आ जाता। अच्छा मेरा बैग भी ले लिया। मैं सोची तो आ जाएगी अकेली, मैं बोली समझ जाएगी कि नुमेर भाई को मैंने कल बोल दिया था ना आपको कॉलेज जाएगा भाई आप आ जाना अकेले। हाँ तुम्हारी कंगई घूम गई थी ना, नुमान भाई लेके आ गए। आज भी स्कूल छुट्टी मालूम है, मेरे को मैसेज आ गया सुबह में। तुमने बताया, कौन बताया? टीचर श्री टीचर बताया। अरे वाह आज भी है, बट अम्मा आज ऐश ना सैटरडे को जाने गए। क्यों स्कूल सैटरडे को रखने वाले लोग? सैटरडे को जाने गए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। रोटी तैयार है, भाजी तैयार है, खा लो नाश्ता कर लो। भाई गए पप्पा लेके गए भाई को छोड़ने गए। छोड़ के भी लाएंगे और बाकी चलो ठीक है अभी तुम नाश्ता कर लो। चलो लाया मम्मा। चलो माही से मंगाई महंगी, मसाला खत्म हो गया था। ये क्या लाई? मिर्ची। कौन सी? अच्छा हाँ हरी मिर्ची। बिस्मिल्लाह। चलिए देखो दाल रेडी हो गई, पीली दाल, और ये भाजी। रोटी अभी और है, खाए नहीं है अभी, रोटी है तो ये खा लेंगे दोपहर में चावल से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आ गया बेटा? चलो कितने बज गए देखो 2:20 हो गए। पापा कहाँ है? अच्छा ठीक। कैसे गया? मस्त। अच्छा था? हाँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सोच रही थी फैयाज पता नहीं क्या कर रहे बाहर बैठ के। गाड़ी में बैठे थे? अरे भटका भी तो, भाड़े नहीं लगे यार। भटके भी तुम? हाँ, भाड़े नहीं लगे। नहीं तो अलर्ट दिया ना तो पब्लिक नहीं निकली होंगी ज्यादा। गैस बन गया 200 का मोला। अभी फिर निकलेंगे, नुमेर को छोड़ेंगे घर पे, फिर इसके बाद निकल जाएंगे हम हमारी गाड़ी पे। सही है। चलो दाल रेडी, चावल छोड़ा देती हूँ बस। थैंक यू। अगर 1 घंटा सो के निकलेंगे। सोएंगे अभी तुम? अच्छा ठीक है। और भैया कैसा गया तेरा पेपर? अच्छा गया। हाँ माही ऊपर है, नहीं जागी मोबाइल देख रही होंगी। मम्मी का नाम भी क्यों आया? अब मेरा नाम नहीं रहेगा तो किसका नाम रहेगा? मम्मी का नाम नहीं आएगा मदर्स के नेम में। आज स्कूल फिर से छुट्टी है। आज स्कूल फिर से छुट्टी है। मोबाइल देखेगी ना? नहीं मोबाइल नहीं देखेगी। मोबाइल नहीं माही, आराम करना। हाँ मोबाइल ही देख रही होगी, देखना। उड़ जा माही इज्जत से, आज अच्छा सो के उठी है। चल उड़ जा, क्लास जाना है ना। क्या छुट्टी कर रही, क्या छुट्टियाँ हो रही है, अरबी की भी छुट्टी, क्लास की भी छुट्टी, स्कूल की भी छुट्टी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, फुल मजे हो रहे माई के। हाँ है ना, सब जगह छुट्टी छुट्टी। चल क्लास जाने के लिए तैयार हो। क्या खाएगी, कुछ खाएगी नाश्ता? वो देख 7:30 होने के लिए आए। कितना बज रहा मालूम? 7:15। चल मगरिब की आज़ान हुई नहीं, अभी उठ जा। ये क्या दाग लगा के ये कपड़ों के ऊपर। चल कहाँ है मेरा बच्चा मीनू, क्यों कोने में घुस के सो रही है? वहाँ पे ठंडी लग रही तुझे, बारिश आ रही इसलिए। हाँ चल, बारिश तो आज इधर रुकी है, यहाँ पे ये बाजू तो रुकी है, आउटसाइड तो बारिश है। चलो उठो, ऊपर रख देना लगे आगे वो चद्दर ला। वो देख कैसी वाली कंगीला, ये वाली मैंने ऐसी वाली नहीं चाहिए था मेरे को, ऐसी ब्लू वाली जो है ना वैसी चाहिए था। ये वाली कंगई है ना, ये आती नहीं है, मतलब पूरे बाल में नहीं होता है। सुबह मंगाई उनसे तो 20-20 रुपये की कंगई लेकर है, अभी चेंज करवाना पड़ेगा ये वाली। तो ये वाली चलेगी ना, ये वाली अच्छी थी, कितनी मोटी भी है, 20 रुपीज़ की, अच्छी है ना, क्वालिटी कितनी अच्छी है, पहली वाली कंगई से अच्छी है। कौन? चल आजा, मैं ही नाश्ता आया है। मैं पहले लैपटॉप लेके जा बेटा, ऊपर रख दे, रख दे, पहले रख दे बाबा, काम हुआ ना, पहले लैपटॉप को ऊपर पहुंचा दूँ। शो मम्मा, जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन माई को नाश्ता मिलता है ना, नहीं तो यही टाइम पे क्या खाना खाती है आके, है ना। मिला भाई, क्या लाया इसने? चाइनीज़ भजिया खुद के लिए लाया लगता। अपने को क्या लाया देखो, उसका उसकी पुड़ी में डाल दे। मिले एक थोड़े मंगाए थे, 2 मंगाए ना, एक लाया कैटलेस, एक ही है, एक है क्या 2 ही है? एक है। नमा इधर आ, कैटलेस लाया कितने बोली थी? एक ही, 2 बोले थे ना, 2 बोले, एक ही तो दिख रहा है वो, 2 बोले थे मां, तुम लोग एक ही कैटलेस कर रहे थे बस। 2 कैटलेस बोले थे ना तेरे को। आज माही अच्छा सोकर उठी है, आज नींद कवर हुई, खाली होमवर्क बाकी है लेकिन अभी करने का ना, होमवर्क नहीं हुआ उसका, होमवर्क रह गया। नींद आ गई, हाँ आके कर लेना। हो गया ए भाई, उसको लेट हो रहा है, लोलो पंचो करते बैठा है तू। तारे दिख रहे थे वो, तेरे को दिखते ना जैसे मम्मी दिखाते कभी कभी तारे तेरे को, हाँ वैसे इसको भी दिखते। हाँ जा बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या है उसमें? रुमाल, हैंकी। अभी रात को वॉश करने डाल देना, जाके आएगी तो। बाइक इधर ही है ना घर के पास, गाड़ी इधर ही है ना। चालू नहीं हो रही, वो उधर क्यों लेके जा रहे? चालू हुई? मैं जाती तो सब कुछ चालू हो। अच्छा तू जाती तो चालू हो जाता है। हाँ बहुत लक्की है क्या माही। बारिश रुकी है आज दोपहर के बाद से, इधर तो रुकी है, बाकी जगह पे पता नहीं। सैटरडे को स्कूल बुलाने वाले हैं क्या? अच्छा संभाल के बैठ नमा, आके प्लास्टिक डाल देना उसके ऊपर, संभाल। गिरा ना, किधर गिरा? वो शायद ना वो बोल रहे कि टर्निंग ले रहे थे, इधर से मुझको लेने आ रहे थे तो ऐसा टर्निंग पे शायद उनके पैर पे लग गया, भाग गया ऊपर। नमा आ, चेंज करके आ जरा। क्या वहाँ हजरत आएंगे? हाँ मैसेज करी तूने? हाँ। यहाँ तेरे को छोड़ने के बाद मैं गिरा क्या, तू देखी? नहीं देखी। तो देखी, अभी आया। बता कहाँ गिरा, कितना लगा के आया मैं? जा माई वो लगा उसको तेल ला, खोपरे का तेल ला। ओए जरूरत नहीं है। हल्दी लेकर आ, हाँ हल्दी लेकर आ, पहले हल्दी लेकर आ, हल्दी लेकर आ। और कहाँ लगा बता? पूरी बाइक लेके गिर गया। क्यों आराम से नहीं चला रहा? गाड़ी का हैंडल घूमा ही नहीं, सीधा ही अटक गया भाई, क्या बोलूं मैं। गाड़ी को ऐसा हैंडल जाम पड़ेला है। अच्छा गोल घुमाए, गोल घूमी इसने में रेस दिया, ध्यान दूर से नीचे लगा मार इसको। हल्दी लगा, बस बस जल रहा है, जल रहा है। हां जलन दे, जलन दे, जलन दे। जलेगा तो उसके अंदर का जम्स मरेगा, जम्स मरेगा। हो गया, लगा दिया, लगा दिया। अरे इधर लगा, अरे ना बाबा ना, अरे मो मो। मतलब यहाँ से लंबा सोया बोलते हैं और फिर गया। हाँ मुझे पता ही नहीं, तू गिरा, मैं बाजू में बैठी, मुझे आवाज भी नहीं आई, आवाज भी नहीं दिया। अरे तू अम्मी बोल के अच्छा नहीं है जो गिरते हुए अम्मी ऐसा चिल्लाओ तो आवाज आती, तो मैं बाहर तो आती तो तुझे देखने के लिए। क्या होता है यहाँ के चीखे मारते, अम्मा गिर गया मेरा बेटा, गिर गया मेरा बेटा, ऐसा हो जाता। हाँ माँ गिर गया, भाग गया, ला भी लिया उसको जाके, मुझे पता भी नहीं है। देखे शॉर्ट्स है ना छोटा वाला है ना ऊपर नुमेर दो दो ब्लैक कलर का कपड़े, तू ढूंढे देखेगा कबाड़ खोल के तो तुझे दिखेंगे ना। जा पैंट निकाल दे और वो पेन शॉर्ट्स पे ना, उस पर हल्दी हल्दी लगी, देख निकलेगा नहीं तो कांडे करता है। गिर के आएगा, कब तक गिरेगा रे? 18 साल का हो गया, अभी भी गिरेगा क्या? हाँ पहली नहीं, मुझे क्या पता होगा, आज पता चल गया। सीखने के टाइम गिरा का था मैं, बाइक लेके ठोक दिया था ना बाइक चलाना, तो ना वो उधर आगे जाके ना ठोक डाले। अरबी हजरत नहीं आएंगे क्या आज? नहीं वो, अरे हाँ मैसेज बोली मैंने करी मत करो, करी बोलते माही ने, मैंने भी किया, तूने क्यों की? देख अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए बस ब्लॉग को एंड करने आई हूँ, 10:30 बज रहे हैं। आज बच्चों की अरबी की छुट्टी है, आज नहीं है मतलब समझ लो कि अभी कुछ 20-22 दिन अरबी की छुट्टी है, क्योंकि हमारे जो हजरत है ना जो पढ़ाने आते हैं अरबी, वो जा रहे हैं गांव, मतलब वो 20 दिन के लिए छुट्टी पे। तो उन्होंने बोला था कि 10 तारीख को वो जाने वाले, तो आज 9 तारीख है, शायद पैकिंग वगैरह करना है तो छुट्टी। और हाँ छुट्टी तो समझो कि हमारी तरफ से ही हुई। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि ना वो उनके बदले किसी और को, मतलब कोई दूसरे हजरत को भेज देंगे जो आके पीछे का जितना कुछ है ना वो सारा कुछ उसको बच्चों को रिवाइज कराएंगे, और साथ में आगे का भी थोड़ा बहुत पढ़ाते रहेंगे। बट फिर आपके फैयाज भजन तो नहीं बोल दिए कि बोले नहीं रहने दो, और बच्चों को पूछी तो बच्चे भी मना कर दिए कि बोले अम्मी नहीं रहने दो, बोले पढ़ाई में फ़र्क हो जाता है। फिर क्या ना हजरत पे हजरत चेंज करो तो फिर सबका पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है ना, तो दोनों के दोनों मना कर दिए, नुमैर भी मना कर दिया, माई भी मना कर दी। ये बोला, ये दोनों बोलने लगे कि नहीं हम लोग घर में पढ़ लेंगे, रिवाइज पहले का हम लोग करते रहेंगे, फिर हजरत चेंज होंगे, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, फिर वो उनका तरीका अलग, मतलब वो तरीके अलग हो जाते। तो ये हो जाता है कि हाँ वो तरीके अलग हो जाते। जितनी बार आप अरबी के लिए चेंज करो या फिर स्कूल ट्यूशन, मतलब आपको तो पता है पढ़ाई बहुत अलग हो जाती है आप जब जब चेंज करवाओगे, तो इसीलिए जो है ना विल्लो की छुट्टी। यहाँ पे करूँगी अपने ब्लॉग को एंड, और कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना। माही को बुलाऊं, माही पूछ लेती हूँ उससे, आएगी तो ठीक है। होमवर्क कर रही है, आ रही है होमवर्क कर रही है, हाँ वीडियो एंड कर रही है, होमवर्क कर रही है, देखिए पहले आती है, कपड़े चेंज कर रहा है, रात हो गया है। इसका नाइट ड्रेस यही है, इसको एकदम हल्का कंफर्टेबल पहनना, मतलब कंफर्टेबल अच्छा लगता है। आप लोगों को भी, हम लोग को भी ऐसे ही लगता है, रात में एकदम कंफर्टेबल पहनो, ये भर के थोड़ी ना ये पहन सकते, रात में तो सबको कंफर्टेबल ही अच्छा लगता है क्या एकदम। तो बस ये था आज का ब्लॉग, और आज बारिश, हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज इतनी बारिश नहीं थी, मतलब सुबह में थी और दोपहर के बाद तो इधर थी ही नहीं बारिश, बिल्कुल भी नहीं थी। आपके फैयाज भजन को भी मैं कॉल करके पूछी कि बारिश है क्या, तो वो भी बोल रहे थे कि नहीं बाहर बारिश नहीं है, कल जितनी थी ना आज तो उतनी नहीं है, डबल कंकई थी फिर आना सर के ऊपर। चले बस ये व्लॉग था आज का, कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में हम सबको याद रखना। अल्लाह हाफिज़।